कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग क्या है? कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग वांछनीय लक्षणों को मिलाकर पौधे प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऐसे पौधे प्राप्त करने के लिए प्रजनक को इन चयनित पैतृक पौधों के बीच क्रॉस का प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मटर के मामले में पहले पैतृक पौधे के पास बहुत सारी फली हैं, जो सभी आकार में छोटी हैं। दूसरे पैतृक पौधे में फलियों की संख्या कम है, लेकिन वे आकार में बड़ी हैं। हमारा उद्देश्य एक ऐसे पौधे का निर्माण करना है जिसमें हरी और बड़ी फलियां हों और उपज भी ज्यादा हो। फूल की सही अवस्था में हाथ द्वारा परागण सहित विभिन्न परागण तकनीकों के साथ क्रॉस परागण किया जाता है। इसके लिए दोनों पौधों को एक ही खेत में एक दूसरे के करीब उगाया जाता है। वांछित लक्षणों की पूरकता के आधार पर पैतृक पौधे का चयन किया जाता है। क्रॉस परागण की प्रक्रिया आमतौर पर कुछ फसल के पौधों में प्राकृतिक परिस्थितियों में कीड़ों और हवा द्वारा की जाती है, लेकिन इस स्थिति में ये विशिष्ट क्रॉस बनाने के लिए हाथ से किया जाता है। ये पौधे का फूल है जिसका पराग कोष हटाकर उसका उपयोग परागण के लिए किया जाता है। यहाँ हम फूल के विभिन्न भागों को देख सकते हैं, जैसे वर्तिकाग्र, परागकण, अंडाशय, निचला भाग और बीजांड। फूल के नर अंगों को पराग कोष कहा जाता है, जबकि मादा भाग को वर्तिकाग्र के रूप में जाना जाता है। क्रॉस परागण के लिए नर पौधे के पराग कोष से पराग को मादा पौधे के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। इसके लिए मादा फूल के पराग कोषों को वर्तिकाग्र को नुकसान पहुंचाए बिना हटा दिया जाता है। ब्रश का उपयोग करके पराग कणों को नर पौधे के पराग कोष से एकत्र किया जाता है। मादा पौधे के वर्तिकाग्र पर झाड़ दिया जाता है। इस क्रॉस से प्राप्त पौधे दो पैतृक पौधों के बीच संकर नस्ल हैं। ये पौधे F1 पीढ़ी बनाते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। उसके बाद F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सेल्फिंग के बाद अगली पीढ़ी के पौधों में लक्षणों का एक अलग मिश्रण होता है जो F2 पीढ़ी का निर्माण करते हैं। जिन पौधों में अवांछनीय लक्षण होते हैं उन्हें F2 पीढ़ी में खारिज कर दिया जाता है। सेल्फिंग और चयन की प्रक्रिया जारी रहती है और पीढ़ियां F3, F4, F5 आदि तक उन्नत की जाती हैं। वांछित जीनोटाइप प्राप्त होने तक चयन जारी रहता है। उन्नत पीढ़ियों में पृथक्करण बंद हो जाता है और वांछनीय लक्षण तय हो जाते हैं एवं वांछनीय लक्षणों के संयोजन वाला पौधा प्राप्त होता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण की एक श्रृंखला के बाद ये एक नई किस्म बन जाती है।